और आज है हर्ष का वन ऑफ द फेवरेट फेस्टिवल्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ये पतंगे उड़ाता है पर उड़ा नहीं पा रहा क्योंकि बाहर है बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ट्राई किया बट बर्बाद। और आपको पता है साल में कुछ ही ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिन पे मुझे ना ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट पहनना बहुत पसंद है। सूट करदा। और हर्ष ने भी कुर्ता पजामा पहना है। कुर्ता पजामा जमा जमा। तो आपको दिखाते हैं कि हमने आज क्या हमारा आउटफिट ऑफ द डे है, प्रॉपरली क्या पहना है। एंड यहाँ से हमें जाना है मम्मी के घर क्योंकि आज हमारे प्यारे कान्हा जी का फोर्थ बर्थडे। हमने उनके लिए लिया बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट। 4 साल के हो गए अभी तो आए थे हमारे घर, इतने छोटे से थे, अब तो इतने मोटे हो गए। चलो चलते हैं मम्मी के घर और रास्ते में दिखाते हैं हमने उनके लिए क्या गिफ्ट लिया। उससे पहले आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे दिखाते हैं। आउटफिट तेरी मोटे आ रहे हैं आज मेरा मास्क भी मैचिंग है। और हमने कान्हा जी के लिए ये क्यूट सा गिफ्ट, ये देख रहे हो घंटी। घंटी बजे जिंगल 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 जिंगल। ये देख रहे हो आप, ये एकदम गोल गोल सा डमरू। ये डमरू नहीं है, ये उनकी फुटबॉल है। वो रोनाल्डो बनेंगे फुटबॉल खेल के। तूने डिसाइड भी कर लिया कान्हा जी बड़े होके क्या बनेंगे? वाह वाह वाह, ये सही है। तू 3 इडियट्स वाला वही है, वो मन रानी मेरा बेटा इंजीनियर बने। पहले डिसाइड कर लेगा कि बड़े होके कान्हा जी क्या इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर। चलो गाइस, बहुत ही अच्छा दिन जा रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, कैसे पतंगे उड़ाएंगे यार। हर 15 अगस्त पे ऐसा होता है बारिश होती है, इस बार मुझे लग नहीं रहा कि बारिश होगी। लिटरली बता रही हूँ, एक पतंग नहीं है, मतलब एक भी पतंग नहीं है। ये देखो आपको स्काई दिखा, हालत देखो। पंछी नहीं है, पतंग की बात कर रही है। A few moments later. Happy birthday, कान्हा जी। आपको हमने रोनाल्डो बनाना है। बॉल लेके आई, बॉल लेके आए आप चेन में डालने के लिए गिफ्ट। वो तो पहले भी तू केक का दिया था ना, तो फिर और लिमिटेड चीजें होती है ना। दिस इज डमरू का डमरू बना रहे हैं मम्मी। ओ कान्हा जी, कान्हा जी तुम्हारी लॉटरी है भाई। ये तुम्हें नकली बाल क्यों लगा दिए? देखो कान्हा जी ने पहन ली, डमरू बन गए। क्या बात है भाई, क्या बात। केक काटो, चलो केक काटो। मस्त लग रहे हैं एकदम। बर्थडे हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, बड़ी विश कान्हा जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे, फोर्थ बर्थडे। कान्हा जी मुबारक हो, 4 साल के हो गए आप। ऐसे बड़े बड़े होते रहो। और ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा। क्यों गंदा कर रहा? नए कपड़ों के लिए पहने हैप्पी बर्थडे। और पीछे सैड म्यूजिक। LOC कारगिल कौन सी चल रही है? ये बॉर्डर भाई, क्या बना दिया कान्हा जी को, पूरा मुंह ही कवर कर दिया उनका। इनसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। नहीं नहीं दे रहा, हमें चाहिए पुलिज्जत। सो गाइस, कान्हा जी का बर्थडे केक काट के आ गए। उनको उनका गिफ्ट तो बहुत ही पसंद आया, आई होप उन्हें पसंद आया हो। फुटबॉल कितनी क्यूट लग रही थी। एंड अभी हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग एंड ऑल कर लिया है, घर का करवा दिया है, कुछ प्रिपरेशंस भी कर ली हैं। चने बना लिए हैं मैंने नहीं बनाया, जरीना ने बनाया है, बट मतलब सर्व मैं करने वाली हूँ ऑफकोर्स। तो बहुत मजा आने वाला है, होप सो बहुत मजा आने वाला है। बाहर मौसम भी थोड़ा सा बेटर हो गया है। हर्ष अभी छत पे थोड़े से अरेंजमेंट्स कर रहा है, मैं नीचे आ गई बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। लेट्स सी कैसे आगे आगे ये शाम शानदार होती है। सो स्टे ट्यून्ड। बस कर यार, बस कर। ये देख रहे पागल हो गए। ओके गाइस, सो फाइनली बहुत ही बेटर मौसम हो चुका है और हम आ गए हैं छत पे। वैसे मेरा हाथ यहाँ पे है बिकॉज ऊपर से थोड़ी ठंड है। पतंगें उड़ने लग गई हैं और अब पतंग उड़ाएंगे। और हमारे काफी सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं यहाँ पे। सिद्धार्थ आ चुका है, ईशान आ चुका है और यहाँ पे दिव्यांश। ये कहाँ से आ गया पता ही नहीं। पतंग उड़ाने आया हूँ। ऑलराइट लेट्स सी, आज चैलेंज है कौन आईबो काटे ज्यादा करता है। तुम उधर से उड़ाओगे, हम इस वाली छत से उड़ाएंगे भाई। चैलेंज है, लेट्स सी कौन ज्यादा काटता है। और राइट, मैं जीतने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी पतंग आती है। जो चरखी पकड़ने में जीतेगी। चल ठीक है, मोमोज पार्टी आज तो। मोमोज और गाइस इट्स अ चैलेंज नाउ। ओके यार, ये तो ऊपर चढ़ गए, हम हार जाएंगे। हर तुझे भी चढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं जा रहा ऊपर, और इस पे मत चढ़ना यार, नीचे आ जाएगा ये। अच्छा तुम कुछ कहना चाहते हो? ये वही है जिसने मेरे को चैलेंज दिलवाया। ये वो है जो हमारी वीडियो नहीं देखता। मैं रोज देखता हूँ। झूठ बोलो
बार बार झूठ बोलो। पर आपको रोज देखना है गाइस, और हर्ष कह रहा है कि नीचे उतर जाओ, हमारी छत मत तोड़ देना। अबे छत नहीं गिर जाएंगे भाई वो। तो फाइनली हमारी पहली पतंग, क्या बात हो रही, हमारी पतंग उड़ा दी है। आधा देर तक मुझे लगता नहीं है पतंग यहाँ पे रहने पेंचे लग गई है। और वो देखो वही हमारे कॉम्पिटिटर जिनसे पेंचे लगे हैं। प्याज तुम्हारी काट के दिखाएंगे हम। अबे हमारी जीत गई। इधर से निकाल। तो गाइस हमारी पहली पतंग कट चुकी है, और बहुत ही बैड परफॉर्मेंस के बाद मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि हमारी पतंग कटी भी किससे, दिव्यांश से। सैड, इसको निकाल नहीं आ पा रहा मुंह पे। इसने हमारी पतंग काटी है भाई साहब, मैं बता रहा हूं, वंडर हैप्पी पतंग कटी है, मैं बता रहा हूं। और ये देखो हर्ष, इसकी हालत देखो, कुछ ना करके भी। तो ऐसा नहीं कि हमने कच्ची गोलियां खेली हैं, इस बंदे ने पहली काट दी है। अरे इसने काटी थी यार, इस बंदे ने काटी, मान जा मेरा था, लेकिन हां है मान जा तेरा थे। और हर्ष तू तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अबे एक ही पतंग उड़ सकती है। यहां अलग कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वेरोनिका व्यू व्यू व्यू, हाय हेलो करो, हेलो करो, हाई फाई कर दो, हाई फाई। कोई हेलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हाई फाई कर दो, चाची को हाई फाई कर दो, हाई फाई। चीज 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 उड़ाने की कोशिश करी थी, मैंने अपनी पतंग डुबा दी। मुझे तो आती है उड़ानी पतंग। तो फिर ली क्यों थी मुझसे यार, ऐसे मत कर। अरे ऐसे मेरे को इतनी ऊपर उड़ा के दे रहा हूं, कटवा मत दियो। दे अब मेरे को, दे मेरे को, दे दे प्लीज, दे दे ले, मैं उड़ाऊंगी। ले पकड़ पकड़ पकड़, पीछे आ रहे, पीछे आ रहे। ओ नो, ओ यार सिद्धार्थ कैसे करनी है, गिरवा मत दियो पतंग। पता है एक्चुअली ना तू वैसे कर कुछ नहीं रही है, पतंग अपने आप उड़ रही है। I believe I can fly. Later that night. So guys, finally the big long day has come to an end. मेरे दोस्त, प्रेरणा के मम्मी पापा, भाई सब आए थे, सब घर जा चुके हैं। बहुत मजा आया पतंग उड़ाने में। सीरियसली ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मैं बहुत मन से, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करता हूँ। बस थक बहुत गए हैं, प्रेरणा ऑलरेडी सो चुकी है। प्रेरणा तू भी कुछ कहना चाहती है? बस इसी नोट पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।